कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 3 का इंग्लिश का सेकंड लेसन, जिसका नाम है अरुण्स फैमिली, अरुण का परिवार। तो आज हम जानेंगे अरुण के परिवार के बारे में, ठीक है। तो आप सब वीडियो को ध्यान से सुनना है। इसके अंदर जो जो भी वर्ड्स मीनिंग आएंगे वो सब आपने साथ के साथ नोट करनी है, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ वो वर्ड मीनिंग बताऊंगा, आपने वो वर्ड मीनिंग लिखने हैं और याद करने हैं, ओके। तो शुरू करते हैं हम अपना सेकंड लेसन। अरुण्स फैमिली, अरुण का परिवार। जैसे हम एक परिवार में रहते हैं, वैसे ही इस पार्ट में अरुण नाम का लड़का है और वो किसके साथ रहता है? अपनी फैमिली यानी कि अपने परिवार के साथ वह रहता है, ओके। तो सबसे पहले जो लाइन है इसके अंदर वो है आई एम अरुण। मैं, आई मीन्स मैं, एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब क्या होता है? हूँ, मैं हूँ। अरुण, अरुण उसका नाम है। तो वो क्या कहता है कि मैं अरुण हूँ। अरुण जो है अपने बारे में बता रहा है, जैसे आप बताते ना कि जैसे आई एम विजय, है ना, आई एम शालिनी। तो जैसे आप बताते हैं, यहाँ पर अरुण बता रहा है कि आई एम अरुण। और उसके बाद अरुण क्या कहता है, आई एम 8 years old। क्या कहता है अरुण? अरुण कहता है आई एम, मैं हूं, 8 means 8, years साल इनके वर्ष, ओल्ड इनके मैं 8 वर्ष का हूं। आप कितने साल के हैं? आप भी 8 years के हैं। तो जैसे आप 8 years के हैं, अरुण भी 8 years का है, ठीक है। उसके बाद अरुण क्या बताता है, आई स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना या पढ़ना। यानी जो अरुण है वो पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है वो? अरुण जो है वो पढ़ता है। आई स्टडी इन, इन का मतलब क्या होता है? में, क्या था इन का मतलब? में। आई स्टडी इन क्लास 3, और अरुण जो है वो कक्षा 3 में पढ़ता है। जैसे आप कक्षा 3 में पढ़ते हो ना, वैसे ही अरुण भी कक्षा 3 के अंदर, कक्षा 3 के अंदर पढ़ता है। उसके बाद आई लीव विथ माय पेरेंट्स। आई लीव, लीव का मतलब क्या होता है? लीव का मतलब होता है रहना, कि जो अरुण है वो रहता है। आई लीव, मैं रहता हूं, विद, विद का मतलब क्या होता है? के साथ, विद का मतलब होता है के साथ। आई लीव विद माय, माय मीन्स मेरा या मेरे पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन होते हैं? माता पिता, इनके मम्मी पापा। वह अरुण जो है अपने मम्मी पापा के साथ एंड और, एंड का मतलब क्या होता है? और। ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ, इन अ टाउन, एक कस्बे में, एक शहर में मैं रहता हूँ। और किसके साथ रहता है अरुण? अपनी फैमिली। और फैमिली में कौन कौन है? पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और उनके दादा दादी हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, और अंकल आंटी, है ना, कजन, बहुत सारे रहते हैं ना, यस। और उसके बाद द नेम ऑफ माय टाउन, जो मेरे कस्बे का नाम, मेरे शहर का नाम क्या है? इज सोहना। और अरुण के कस्बे का नाम क्या है? सोहना, ठीक है। आपके टाउन का क्या नाम है? ठीक है, आपके टाउन का आप अपना नाम लिख के हमें बताएं। तो आज का वीडियो हम इतना ही करेंगे, ठीक है।
वर्ड मीन एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, एम का मतलब होता है ठीक है, एट का मतलब होता है आठ, ईयर्स का मतलब होता है वर्स, और स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, इन का मतलब होता है मे, और लीव का मतलब होता है रहना, विद का अर्थ होता है के साथ, और माय मेरा या मेरे, पेरेंट्स मम्मी पापा या माता पिता, एंड का मतलब होता है और, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी ठीक है, टाउन का मतलब होता है कस्बा या शहर, और नेम का मतलब होता है नाम ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का के या की, इन तीनों में से वाक्य के अनुसार हम इसको लगा लेते हैं। उसके बाद है हमारा इज, आई एस इज, इज का मतलब होता है, और ये है एक वचन संख्या के साथ लगता है ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, अगले टॉपिक में हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।